आयशा, मैं मरने वाला हूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। ऐसा लिखते हुए आरव की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस पेज को फाड़कर अपने बैग में रख लिया जिस पर वो लिख रहा था। अभी तक वो ऐसे ना जाने कितने ही पेज फाड़ चुका था। कुछ देर बाद उसने एक नए पेज पर फिर से लिखना शुरू किया। हेलो आयशा, तुम जिस वक्त मेरा ये लेटर पढ़ रही होगी, मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मुझे आज भी याद है जब पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर तुम मुझे दिखी थी। तुम्हारे घुंघराले बालों और गहरी आंखों के समंदर में मैं इस कदर डूब गया था कि मुझे कुछ वक्त के लिए अपना होश तक भी नहीं रहा। उसके बाद तो तुमसे मिलना ही मेरी लाइफ बन गई। तुम्हारे होठों को जब मेरे होठों ने पहली बार छुआ था, तो वो पल मेरी लाइफ का सबसे प्यारा पल था। काश मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जी सकता, लेकिन हमेशा की तरह लाइफ ने फिर मुझे यू टर्न दिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जुदा होना पड़ रहा है। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम मुझसे और ज्यादा अपनापन महसूस न करने लगो। इससे मेरी मौत पर तुम्हें दुख पहुंचता, जो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पहुंचे। आयशा जो ये लेटर पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ आंसू उस लेटर पर गिर पड़े। उसी वक्त आयशा ने ध्यान दिया कि उस लेटर पर कितने ही आंसुओं के धब्बे पड़े हुए थे। इससे पता चल रहा था कि उस लेटर को लिखते वक्त आरव किस कदर रोया था। आरव एक 20 साल का अनाथ लड़का था। कुछ वक्त पहले उसकी मुलाकात आयशा से हुई थी। आयशा से मिलने के बाद उसकी लाइफ में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, नहीं तो सिवाय दुत्कार के उसे लाइफ में कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा लंबे वक्त तक टिकी नहीं रह सकी। कुछ ही वक्त बाद उसे मालूम हुआ कि वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त था और मरने वाला था। इसके बाद वो आयशा को कभी अपने दिल की बात नहीं बता सका। मरने से पहले अपने लेटर के जरिए वो आयशा को अपने दिल की बात बता देना चाह रहा था। उस लेटर को लिखने के 3 दिनों के बाद ही एक हॉस्पिटल में आरव एक गुमनाम मौत मारा गया। उससे अगले दिन आयशा को वो लेटर मिला जिसे वो इस वक्त पढ़ रही थी। उस लेटर को अपने सीने से लगाते हुए आयशा ने कहा, ओ आरव, काश एक बार तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता देते। काश तुम्हारी लाइफ के उन आखिरी पलों को मैं यादगार बना पाती। काश एक आखिरी बार मैं तुमसे मिल पाती। ऐसा कहते कहते आयशा ने उस लेटर को फोल्ड किया और अपनी जेब में रख लिया और अपना बैग उठाकर लाइब्रेरी से बाहर आ गई। ये वही जगह थी जहां वो आरव से पहली बार मिली थी और इसी जगह पर कोई उसे ये लेटर देकर चला गया था। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन सोचा, आरव तुम जहां भी रहो खुश रहना। इस लाइफ में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगी कि अगली लाइफ में तुम्हें स्पेशल बनाए और इस लाइफ में जो पाने की तुम हकदार थे वो सब कुछ तुम्हें उस लाइफ में मिले। उसी वक्त दुनिया के किसी कोने में एक विशालकाय गोल्डन रंग का बादल तेजी से उड़ा चला जा रहा था। आरव उस बादल के ऊपर पड़ा था। अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक गोल्डन रंग के बादल के ऊपर पाया। वो उठकर बैठ गया और चौंकते हुए खुद से ही बोला, क्या मैं जिंदा हूं? नहीं, मैं तो मर चुका था, फिर मैं जिंदा कैसे हो सकता हूं? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? लेकिन मरे हुए लोग सपना कैसे देख सकते हैं? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि मैं नरक या स्वर्ग में कहीं जा रहा हूं? आखिर ये बादल मुझे कहां उड़ाकर ले जा रहे हैं? आरव ये सब सोच ही रहा था कि उसने देखा कि वो गोल्डन रंग का बादल उसे एक मंदिर की ओर लिए जा रहा था। कुछ ही देर में आरव एक विशालकाय मंदिर के सामने खड़ा था। उस मंदिर के सामने एक बड़ा सा खुला मैदान था जिसमें कई सारे टेंट बने थे। उस विशालकाय मंदिर को देखकर आरव ने खुद से कहा, आखिर ये मैं कहां आ गया हूं? क्या ये जगह स्वर्ग है? ये यहां पर इतने सारे टेंट क्यों लगे हुए हैं? आरव विचलित आंखों से उस विशालकाय मंदिर को देखे जा रहा था। उसी वक्त एक बेहद सुंदर इंसानी आकृति वहां पर आई। उस आकृति ने आरव के सामने आकर कहा, हेलो आरव, मैं चैतन्य हूं,
आज से मैं तुम्हारा गॉडफादर हूं। चैतन्य की बात सुनकर आरव ने चौंकते हुए पूछा, गॉडफादर? आखिर मैं कहां हूं और ये गॉडफादर का मतलब क्या है? क्या ये जगह स्वर्ग है? क्या मैं स्वर्ग में हूं? आरव के चेहरे पर उभरे उन सभी सवालों को सुनकर चैतन्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ये जगह स्वर्ग नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए किसी स्वर्ग से कम भी नहीं होने वाली है। तुम इस वक्त भगवान की बनाई बिल्कुल ही अलग एक खास जगह पर हो। इस जगह पर भगवान अपनी सबसे प्यारी आत्माओं को भेजते हैं ताकि उन आत्माओं को एक नई और वो भी पावरफुल लाइफ मिल सके। चैतन्य की बात सुनकर आरव के चेहरे पर उभरे सवालों की संख्या घटने की बजाय और अधिक बढ़ गई। उसने चैतन्य से पूछा, नई लाइफ? इसका क्या मतलब है? अगर भगवान के लिए सच में मैं इतना खास था तो मेरी पिछली लाइफ में मुझे इतने दुख क्यों दिए? चैतन्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने अपनी पूरी लाइफ में सभी को प्यार दिया, फिर चाहे तुम्हें खुद को कभी प्यार नसीब नहीं हो सका, तुमने अपने आखिरी वक्त में भी अपने प्यार आयशा को अपनी मौत के बारे में तक नहीं बताया, उससे थोड़ी दूरी बना ली ताकि वो तुमसे ज्यादा अपनापन महसूस न करने लगे और उसे किसी भी तरह का दर्द तकलीफ न पहुंचे। तुम्हारी जैसी प्योर और सभी को प्यार करने वाली सोल भगवान के दिल के बहुत नजदीक होती है। आरव ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, तो क्या मुझे अपनी पुरानी लाइफ में वापस भेज दिया जाएगा? चैतन्य ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें एक नई लाइफ में भेजा जाएगा। तुम्हारा दोबारा से एक नई जगह पर जन्म होगा और जन्म के साथ ही तुम्हें मेरी पावर्स मिलेंगी। चैतन्य की बात सुनकर आरव के अंदर उत्सुकता के बादल उमड़ने लगे। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, मतलब आज से आप मेरे गॉडफादर हैं और आप मुझे पावर्स देंगे जिसकी मदद से अगली लाइफ में मैं एक पावरफुल वॉरियर बन सकूंगा। तो क्या होंगी वो पावर्स? आरव की बात सुनकर चैतन्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसी वक्त चैतन्य के सीने से ऊर्जा से भरी एक छोटी सी तेज चमकदार रोशनी बाहर निकली और आरव के सामने आकर हवा में तैरने लगी। उस चमकदार रोशनी की ओर इशारा करते हुए चैतन्य ने कहा, ये मेरी सोल का एक अंश है। आज से मैं अपनी सोल का एक अंश तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी सोल के इस अंश की बदौलत तुम वक्त के साथ असीम पावर्स हासिल कर सकोगे। हालांकि वो पावर्स क्या होंगी इसके बारे में तुम्हें वक्त के साथ धीरे धीरे ही पता चलेगा। चैतन्य के ऐसा कहते ही चैतन्य की आत्मा का अंश आरव के अंदर समा गया। एक पल के लिए आरव को अपने अंदर किसी दिव्य शक्ति होने का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। इसके बाद चैतन्य ने आरव की ओर देखकर कहा, चलो अब तुम्हें तुम्हारे टेंट के अंदर लेकर चलता हूं। ऐसा कहकर चैतन्य आरव को उन टेंटों की ओर अंदर लेकर आए। टेंट के अंदर आते ही आरव हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उस टेंट के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी और स्क्रीन में वो खुद दिखाई दे रहा था। आरव ने उस बड़ी सी स्क्रीन को देखकर पूछा, ये स्क्रीन पर तो मैं ही हूं, इसका क्या मतलब है? आरव के सवाल पर चैतन्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस स्क्रीन पर हमेशा तुम ही दिखोगे। इस स्क्रीन की मदद से मैं तुम्हारी नई दुनिया में तुम पर नजर रख पाऊंगा। आखिर भगवान ने मुझे तुम्हारा गॉडफादर बनाया है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम अपनी नई लाइफ में क्या कर रहे हो। ये देखकर आरव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने चैतन्य की ओर देखकर कहा, तो क्या आप मेरी नई लाइफ की हर एक घटना पर नजर रखेंगे? चैतन्य ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझे लगेगा कि तुम्हारी लाइफ को देखना चाहिए, तब मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानने के लिए यहां आता रहूंगा। और हां, मैं सिर्फ दूर से रहकर तुम्हारी लाइफ को देखूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता। तुम्हारी नई लाइफ में जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा। चैतन्य की बात सुनकर आरव ने कहा, तो मैं अपनी नई लाइफ में कैसे जाऊंगा? ये सुनकर चैतन्य ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम काफी स्मार्ट हो, खैर वो भी जान जाओगे, चलो मेरे साथ।
ऐसा कहकर चैतन्य आरव को उस टेंट से निकालकर मंदिर की ओर ले गए। उस विशालकाय मंदिर के अंदर जाने पर आरव ने देखा कि वहां पर तीन दरवाजे बने थे, एक गोल्डन रंग का दरवाजा, एक लाल रंग का और एक हरे रंग का दरवाजा। उन तीनों दरवाजों को देखने के बाद आरव ने चैतन्य से पूछा, गॉडफादर, यहां पर ये तीन दरवाजे कैसे बने हैं? आरव के सवाल पर चैतन्य ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तीन दरवाजे तीन अलग अलग तरह की दुनियाओं में लेकर जाते हैं। गोल्डन दरवाजा तुम्हें आराम और सुविधाओं से भरी दुनिया में ले जाएगा। उस दुनिया में तुम ऐशो आराम की लाइफ के साथ ही एक महान योद्धा बन सकते हो। हालांकि तुम्हें उस दुनिया में सच्चा प्यार बहुत कम मिलेगा। लाल दरवाजा तुम्हें संघर्षों से भरी हिरण प्रजाति और इंसानों की दुनिया में ले जाएगा। वहां तुम्हें धन की दौलत भले ही कम मिले, लेकिन प्यार की असीम दौलत मिलेगी। साथ ही तुम्हें जादू और करिश्मों से भरी हिरण प्रजाति की लंबी लाइफ भी मिलेगी। हरे रंग का दरवाजा तुम्हें पानी के अंदर की दुनिया में ले जाएगा, जहां पानी के अंदर की दुनिया में तुम्हारा जन्म होगा और उसी दुनिया में तुम एक महान योद्धा बनोगे। आरव चैतन्य की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने चैतन्य से पूछा, तो गॉडफादर, मुझे कौन से दरवाजे में से होकर जाना होगा? इस पर चैतन्य ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये फैसला तुम्हें ही करना होगा। तुम इन तीनों दरवाजों में से जो चाहे उस दरवाजे को चुन सकते हो। चैतन्य की बात सुनकर आरव गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने चैतन्य से पूछा, फिर भी गॉडफादर, आपको क्या लगता है कि मुझे कौन से दरवाजे में दाखिल होना चाहिए? आरव के सवाल पर चैतन्य ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से तुम्हें गोल्डन रंग के दरवाजे में दाखिल होना चाहिए। तुमने अपनी पुरानी लाइफ में बहुत गरीबी झेली है, इसलिए तुम्हें अपनी अगली लाइफ में अमीरी को चुनना चाहिए। गोल्डन रंग के दरवाजे में दाखिल होने पर तुम्हें सुविधाओं और अमीरी से भरी एक अच्छी लाइफ मिलेगी। चैतन्य की बात सुनकर आरव का कंफ्यूजन कम होने की जगह बढ़ गया। उसने अपनी पिछली लाइफ में दौलत और प्यार दोनों की किल्लत देखी थी और वो अपनी अगली लाइफ में दोनों ही हासिल करना चाहता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो प्यार और दौलत में से किसे चुने। वो गोल्डन और लाल दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया और वहीं खड़ा रह गया। वो उन दोनों में से किसी एक दरवाजे को चुन नहीं पा रहा था। ये देखकर चैतन्य ने कहा, तुम्हें एक दरवाजा चुनना होगा। चैतन्य की बात सुनकर आरव ने अपना हाथ एक दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही ऊपर उठाना शुरू किया, उस मंदिर में तेज भूकंप उत्पन्न हो गया। इससे आरव का बैलेंस बिगड़ गया और उसका हाथ लाल रंग के दरवाजे पर जाकर पड़ गया। ऐसा होते ही लाल रंग का दरवाजा खुल गया और आरव लाल रंग के दरवाजे के अंदर समा गया। आरव के उस दरवाजे में समाते हुए वो भूकंप समाप्त हो गया। ये देखकर चैतन्य हतप्रभ अपनी जगह पर खड़े रह गए। उन्होंने खुद से ही कहा, भगवान, ये अब आपका क्या स्वैग है? आखिर आरव को लाल रंग के दरवाजे से भेजने का मतलब है कि आरव को हिरण प्रजाति और इंसानों का जीवन मिलेगा, जिनकी लाइफ सभी जीवों की तुलना में सबसे ज्यादा लंबी होती है। तो क्या आपने इस लड़के आरव के लिए कुछ स्पेशल सोच कर रखा है? खैर, अच्छी बात यह है कि इस बार उस नई दुनिया में आरव के पास मेरी पावर्स होंगी। ऐसा सोचते हुए चैतन्य के चेहरे पर मंद मुस्कान खिल उठी और वो मंदिर से बाहर की ओर चल पड़े। आरव गोल्डन रंग के दरवाजे से ना जाकर लाल रंग के दरवाजे में दाखिल हो गया था। तो आखिर कैसे होने वाली थी आरव की जिंदगी? क्या अपनी पिछली लाइफ की तरह ही आरव को इस नई लाइफ में भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा? आखिर कैसी होगी नौजवान जिसका नाम प्रथम था, वो दीवार के सहारे बहुत चिंतित खड़ा था। आज उसकी भाभी अमायरा एक बच्चे को जन्म देने जा रही थी। अमायरा का पति और प्रथम का भाई दक्ष उस बच्चे के पैदा होने से पहले ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारा गया था। अमायरा पिछले 18 घंटों से लेबर पेन में थी और उसकी चीखने की लगातार आती आवाजों से वो घर रह रह कर कांपे जा रहा था। अमायरा के देवर प्रथम को उसके लिए बेहद टेंशन में देखकर एक बूढ़ी औरत ने प्रथम से कहा, थोड़ा धैर्य रख बेटे, कुछ ही देर में एक प्यारा सा बच्चा हमारी गोद में खेल रहा होगा। उसकी बात सुनकर प्रथम ने अमायरा के कमरे की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपनी भाभी की चिंता है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। वैसे ही
भैया के जाने के बाद उन्होंने ना जाने क्या क्या झेला है। अमायरा को दर्द से तड़पता देखकर उसे संभाल रही दाई ने कहा, अमायरा बस थोड़ा और सब्र रख बच्चे। कुछ ही देर बाद एक नन्ना सा बच्चा उस दाई के हाथों में झूल रहा था। दाई ने उस बच्चे को अमायरा के हाथों में रख दिया। अमायरा ने देखा कि उसे एक आधा इंसान और आधा हिरण प्रजाति का बच्चा हुआ था। अमायरा जहां हिरण प्रजाति से थी, वहीं अमायरा का पति दक्ष मानव प्रजाति से था। हिरण प्रजाति देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होते थे। उनका कद 7 फुट तक लंबा होता था तो शरीर बहुत बलिष्ठ। उनकी नाक बेहद नुकीली होती थी, साथ ही आंखें बड़ी बड़ी। उनके कान सामान्य इंसान की तुलना में 2 गुना बड़े होते थे। वो बच्चा भी आधा हिरण प्रजाति का था, इसलिए उसके कान सामान्य इंसान की तुलना में बड़े थे, नाक नुकीली, आंखें बड़ी बड़ी और सिर पर छोटे छोटे 2 सींग भी थे। वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारा था, एकदम मनमोहक। उसी वक्त प्रथम कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जब उसने अमायरा और उसके बच्चे को सही सलामत देखा तो उसकी जान में जान आई। उसी वक्त उस जगह के काउंसिल का एक मेंबर कमरे के अंदर आ गया। उस मेंबर ने अंदर आते ही कहा, यह बच्चा आधा इंसान और आधा हिरण प्रजाति का है। ऐसे में हमें आपके पैदा हुए बच्चे को काउंसिल के सामने लाना होगा। काउंसिल ये तय करेगी कि इस बच्चे के साथ क्या करना है। ये सुनकर अमायरा ने गुस्से से भर कर कहा, तो क्या मेरे बच्चे के फ्यूचर का फैसला उसकी मां ना करके अब विदिशा की काउंसिल तय करेगी? मैं अपने बच्चे को किसी को भी नहीं देने वाली। ऐसा कहते हुए अमायरा जोर से चिल्लाने लगी। मेंबर ने एकदम शांत स्वर में जवाब दिया, ये काउंसिल का ऑर्डर है। वैसे भी आपने काउंसिल के ऑर्डर का उल्लंघन करके इस बच्चे को पैदा किया है। हमें इस बच्चे को अपने साथ ले जाना ही होगा। मेंबर की बात सुनते ही सोल्जर तेजी से प्रथम की ओर बढ़े। ये देखकर प्रथम ने कहा, रुको, ठीक है, तुम बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन क्या तुम एक माँ को अपने बच्चे के साथ कुछ पल बिताने को भी नहीं दे सकते? प्रथम की बात सुनकर मेंबर ने कहा, ठीक है, हम लोग कमरे के बाहर ही खड़े हैं, तुम लोगों के पास 5 मिनट हैं। ऐसा कहकर मेंबर कमरे से बाहर चला गया। मेंबर के वहां से चले जाने के बाद अमायरा ने प्रथम से रोते हुए कहा, ये काउंसिल विदिशा किंगडम के सारे फैसले लेती है, तो इन्हें लगता है कि ये एक मां से उसका बच्चा छीनकर उस बच्चे के साथ कुछ भी करने की अथॉरिटी रखते हैं। अपनी भाभी को निराश होता देखकर प्रथम ने कहा, भाभी हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब इस बच्चे को बचाने का हमारा लास्ट ऑप्शन ही हमें अपनाना होगा। मुझे इस बच्चे को विदिशा से दूर ले जाना होगा। प्रथम की बात सुनकर अमायरा धक सी रह गई। हालांकि मन ही मन उसे इस बात का अंदेशा था कि उसके बच्चे के पैदा होने पर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती थी, फिर भी हमेशा वो इस बात को इग्नोर कर दिया करती थी। लेकिन आज वक्त अपनी पूरी क्रूरता लिए उसके सामने खड़ा था और उससे उसका बेटा मांग रहा था। उसकी आंखों से आंसू की नदियां बह पड़ी। प्रथम ने अमायरा की ओर देखकर कहा, आपके पास 2 मिनट है, मुझे यहां से निकलने के लिए 3 मिनट काफी होंगे। इन 2 मिनटों में आप जितना प्यार इस बच्चे को दे सकती हैं, दे दे। प्रथम की बात सुनकर अमायरा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। पहले तो कुछ पलों के लिए वो उसे निहारती रही, मानो उसकी एक तस्वीर को अपने मन में कैद कर लेना चाहती थी, ताकि उस एक तस्वीर के सहारे वो सालों तक वक्त निकाल सके। उसके बाद उसने उस बच्चे का माथा चूमा, उसे कई बार गले से लगाया। इसके बाद कुछ मंत्रों को बोलकर उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इस तरह सिर्फ 2 मिनट में अपने हिस्से का सुख बटोर लेने के बाद अमायरा ने सिसकियां लेते हुए मजबूत आवाज में प्रथम से कहा, आज से हम इसे आरव कहकर बुलाएंगे। अमायरा के मुंह से उस बच्चे का नाम सुनकर प्रथम की आंखें चमक उठी। अमायरा ने प्रथम की ओर देखते हुए कहा, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा इसका ख्याल रखोगे। ऐसा कहते कहते आंसुओं की धाराएं अमायरा की आंखों से बह निकली। अमायरा की बात पर प्रथम ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और मेरी पत्नी लिपिका, हम दोनों अपनी आखिरी सांस तक आरव की सुरक्षा करेंगे। हम इसे किसी भी हाल में इसके माँ बाबा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वक्त आने पर मैं खुद आरव को आपसे मिलवाने विदिशा किंगडम लेकर आऊंगा।
प्रथम की बात सुनने के बाद आरव को विदा करने से पहले अमायरा ने आरव के गले में एक नेकलेस डाल दिया। उस नेकलेस के अंदर एक काले रंग की पावरफुल अंगूठी थी जो उसके मृत पिता दक्ष की थी। उसके बाद आरव को अपनी गोद में उठाकर बहुत भारी मन से कपकपाते हाथों से प्रथम के हवाले कर दिया। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर का ही एक हिस्सा काटकर कोई उससे छीन कर लेकर जा रहा हो। इसके बाद प्रथम उस कमरे में बने एक गुप्त रास्ते से होकर आरव को लेकर वहां से निकल गया। इसके ठीक बाद मेंबर कमरे के अंदर आ गया। उसने देखा कि आरव और प्रथम वहां नहीं थे तो उसने गुस्से में भरकर अमायरा की ओर देखकर कहा, धोखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सोल्जर्स, प्रथम और उस बच्चे को ढूंढो, वो अभी किंगडम से बाहर नहीं निकले होंगे। मेंबर का आदेश सुनते ही अमायरा अंदर तक सिहर गई। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे बच्चे और प्रथम की रक्षा करना। आरव उस गुप्त रास्ते से जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर चारों ओर हंगामा मचा हुआ था। चारों ओर उसे और आरव को ही ढूंढा जा रहा था। जैसे ही सोल्जर्स ने प्रथम को देखा तो सभी सोल्जर प्रथम के पीछे हो गए। प्रथम तेजी से आरव को लेकर एक घर में घुस गया। सोल्जर्स ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया। उसी वक्त मेंबर वहां आ गया। उसने सोचा, क्यों नहीं इस घर को आग लगवा कर मैं इन दोनों को यहीं मार दूं? इस तरह दक्ष के बेटे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। काउंसिल को कह दूंगा कि शहर के दंगाइयों ने आग लगा दी थी। ये सोचकर उसने अपने कुछ खास लोगों को दंगाइयों का भेष बनाकर उस घर में आग लगाने को कहा। उस मेंबर की बात सुनकर उन लोगों ने उस घर में आग लगा दी जिसमें प्रथम आरव को लेकर घुसा हुआ था। प्रथम ने देखा कि उस घर में आग लगा दी गई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तेजी से उस घर के ही एक कमरे में चला गया। उस कमरे में पहले से ही दो लोग मौजूद थे। प्रथम को वहां देखकर उनमें से एक ने कहा, सुरंग बनाने का जो काम हम पिछले 6 महीने से कर रहे थे वो पूरा हो चुका है। उस व्यक्ति की बात सुनकर प्रथम ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम लोगों ने आज मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। क्या लाशों का प्रबंध हो गया? यह सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इस बच्चे के पिता दक्ष की वजह से ही हम लोग आज जिंदा हैं। हमने 2 लाशों का भी प्रबंध कर लिया है। कल सवेरे ही दूर के एक गांव में एक महिला को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। हमने कुछ पैसे देकर उससे उस बच्चे की लाश ले ली। दूसरी लाश एक दूर गांव के भिखारी की है। उन दोनों लाशों को दूसरे कमरे में रख दिया है। ये सुनकर प्रथम ने कहा, बहुत खूब, अब हमें घर को आग लगाने की जरूरत नहीं। ये काम उन लोगों ने खुद ही कर दिया। चलो निकलते हैं यहां से। ऐसा कहकर प्रथम उस सुरंग से होकर किंगडम के बाहर निकल गया। दूसरी ओर उस घर के बाहर खड़ा मेंबर उस घर के पूरी तरह से जल जाने पर मन ही मन खुशी से झूम उठा। एक लंबी यात्रा करके प्रथम आरव को लेकर काल्पी सिटी आ गया। काल्पी सिटी में प्रथम और दक्ष का बचपन बीता था, इसलिए आरव को रखने के लिए उसने यही जगह चुनी थी। उसे लगा कि यहां रहकर कहीं ना कहीं आरव अपने पिता दक्ष के नजदीक रहेगा जो उससे बहुत दूर जा चुके थे। इस जगह पर प्रथम ने सिटी के बाहर की बॉर्डर पर अपना नया घर बनवाया था। उस घर की खासियत ये थी कि उस घर का एक सीक्रेट डोर सीधे जंगल में खुलता था। इसका फायदा ये था कि अगर कभी विदिशा की काउंसिल के लोग या फिर दक्ष के दुश्मनों में से कोई उन तक पहुंच भी जाता तो उस सीक्रेट डोर से होकर वो लोग आरव को लेकर वहां से भाग सकते थे। कुछ ही देर में प्रथम अपने 3 मंजिला घर के बाहर खड़ा था। उसके दरवाजा खटखटाते ही दरवाजा खुल गया और अंदर से एक औरत की आवाज आई, जल्दी अंदर आ जाओ। उस आवाज को सुनकर प्रथम जल्दी से अंदर आ गया। प्रथम के अंदर आते ही उस औरत ने प्रथम से पूछा, किसी ने तुम्हें यहां आते तो नहीं देखा? अमायरा कैसी है? क्या वो सेफ है? क्या तुम काउंसिल से छिपकर भागने में सफल रहे या हमें अभी अभी यहां से निकलना होगा? वो महिला प्रथम की पत्नी लिपिका थी जो पिछले कई दिनों से प्रथम की राह देख रही थी। लिपिका 30 साल की एक जवान और बेहद खूबसूरत महिला थी। गठा हुआ बदन, लंबे बाल, पैने नाक नक्श, हाथों में चूड़ियां और गले में एक प्यारा सा सोने का हार पहना हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लिपिका के सवाल सुनकर प्रथम ने कहा, नहीं, मुझे और आरव को यहां आते हुए किसी ने नहीं देखा। विदिशा के तो सभी लोग यही सोचेंगे कि मैं और आरव घर के अंदर जलकर मर गए। प्रथम की बात सुनकर लिपिका ने चौंकते हुए कहा,
मतलब उन लोगों ने आरव को जलाने की कोशिश की? ये काउंसिल के लोग इतना नीचा गिर सकते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आरव को अपनी गोद में ले लिया। आरव अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसके मासूम चेहरे को देखकर लिपिका के अंदर का ममत्व जाग उठा। एक पल के लिए तो उसे लगा कि जैसे उसके हाथों में उसका अपना बच्चा था। उसकी प्यारी प्यारी आंखें, गोल मटोल चेहरा लिपिका के ऊपर एक अलग ही तरह का नशा कर रहा था। उसने प्रथम से कहा, तुम्हें याद है हमने सोच रखा था कि हम अपने बच्चे का नाम आरव रखेंगे। मैं हमेशा भगवान से लड़ती थी कि पता नहीं मेरे तप में ऐसी क्या कमी रह गई जो मुझे आज तक एक बच्चे का सुख नहीं मिला। लेकिन आज भगवान ने मुझे इतना तेजस्वी और प्यारा बेटा दे दिया। ऐसा कहकर लिपिका ने आरव के माथे को चूम लिया। आंसू की एक पतली धारा उसकी आंखों के कोनों से बहकर नीचे गिर पड़ी। ये देखकर प्रथम की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे भी आज एक पिता होने का एहसास हो रहा था जो आज तक के उसके सभी एहसासों से एकदम जुदा और सबसे ज्यादा खास था। उसी वक्त दरवाजे पर तेज खटखट होने लगी। उस खटखट की तेज आवाज सुनकर प्रथम और लिपिका भय से अंदर तक सहम गए। लिपिका ने डरते हुए प्रथम से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा था? लिपिका की बात पर प्रथम ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से तो मेरा किसी ने पीछा नहीं किया, कहीं उन्हें सुरंग का तो पता नहीं चल गया। प्रथम की बात सुनकर लिपिका ने उसको चुप कराते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो, तुम एक काम करो, आरव को लेकर हमारे सीक्रेट दरवाजे से जंगल की ओर निकलो। अगर अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें उस सीक्रेट डोर के बाहर नहीं दिखी तो तुम आरव को लेकर यहां से कहीं दूर निकल जाना। लिपिका की बात सुनकर प्रथम अंदर तक घबरा गया। वो किसी भी हाल में लिपिका को खोना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे उसने लिपिका को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन इस वक्त आरव की सिक्योरिटी उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने अपने मन को पक्का किया और सीक्रेट डोर से जंगल में चला गया। दूसरी ओर लिपिका दरवाजे की ओर बढ़ चली। दरवाजे पर खट खट की आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। आखिर कौन था दरवाजे पर? क्या विदिशा के सोल्जर प्रथम का पीछा करते हुए उस आरव को लेकर सीक्रेट डोर से होता हुआ जंगल के अंदर आ तो गया था, लेकिन उसे लिपिका की बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। उसने जंगल के अंदर एक जगह छिपकर घर के सीक्रेट डोर की ओर देखकर खुद से कहा, अगर सच में काउंसिल के सोल्जर यहां आ गए होंगे तो लिपिका को अपने साथ विदिशा ले जाएंगे। वहां वो मेरी लिपिका के साथ ना जाने क्या क्या अत्याचार करेंगे। वहीं दूसरी ओर लिपिका ने डरते हुए दरवाजा खोला तो उसने देखा कि काल्पी सिटी के 2 सोल्जर दरवाजे पर खड़े थे। उन 2 सोल्जर्स में से एक सोल्जर ने पूछा, हमें किसी ने खबर दी है कि आपके घर में कोई चोरी छुपे घुसा है? उस सोल्जर की बात सुनकर लिपिका ने जवाब दिया, नहीं तो घर में तो कोई नहीं आया। ये सुनकर उस सोल्जर ने कहा, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ महसूस हो तो हमें इन्फॉर्म कर देना। ऐसा कहकर वो दोनों सोल्जर वहां से चले गए। उन सोल्जर्स के चले जाने के बाद लिपिका ने अंदर तक राहत की सांस ली। वो तेजी से दौड़ते हुए सीक्रेट डोर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। लिपिका को सीक्रेट डोर के सामने खड़ा पाकर प्रथम के मरते प्राणों में नया संचार हो गया। वो तेजी से लिपिका के पास आ गया। लिपिका ने आरव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, शहर के सोल्जर थे, तुम्हें घर में घुसते हुए किसी ने देख लिया था, उसी ने सोल्जरों को इन्फॉर्म कर दिया था, उसी के बारे में पता करने आए थे। प्रथम लिपिका के साथ वापस से घर में आ गया। उसने लिपिका से कहा, एक सेकंड के लिए तो मैं बहुत डर गया था, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, किसी को भी यही पता चलना चाहिए कि आरव दक्ष का बेटा है। इस पर लिपिका ने कहा, हाँ, हम कह देंगे कि हमने आरव को पास के ही एक शहर से गोद लिया है, सारा शहर जानता है कि पिछले कितने सालों से हम लोग बच्चा होने की कोशिशों में लगे थे, लेकिन सभी कोशिशें फेल हो गई थी, किसी को आरव पर शक नहीं होगा। लिपिका की बात सुनकर प्रथम ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, इस तरह किसी को आरव का यहां होना अजीब नहीं लगेगा। घर में वापस आकर तीनों बैठे ही थे, उसी समय वहां पर लीला आ गई और आरव को बड़े ध्यान से देखने लगी। लीला लिपिका की अंगारिया बकरी थी। काल्पी सिटी अमरगिरी किंगडम में पड़ता था।
अमरगिरी किंगडम की ही बेहद दुर्लभ नस्ल थी अंगारिया बकरी। इन अंगारिया बकरियों को सोचने समझने की शक्ति नॉर्मल बकरियों की तुलना में कहीं ज्यादा होती थी। लीला बेहद उत्सुक नजरों से आरव को उचक उचक कर देखे जा रही थी। ये देखकर लिपिका ने प्रथम से कहा, जिंदगी भी कितनी अनोखी है। आज लीला के दो बच्चे हुए थे, वो दोनों ही पैदा होते ही मर गए। मेरा दिल बेचारी लीला की हालत देखकर बैठा जा रहा था। वो पूरी तरह मुरझा गई थी और देखो भगवान की माया, आज ही भगवान ने आरव को यहां भेज दिया। ऐसा कहने के बाद लिपिका लीला को आरव को दिखाते हुए बोली, ये देखो लीला कितना मासूम है ना, आज से इसका ख्याल तुम्हें ही रखना है, ठीक है। लिपिका की बात सुनकर लीला ने मह करके लिपिका की बात पर अपनी सहमति दी और वहीं लिपिका के पास बैठ गई। लीला के अंदर आरव को देखकर एक अलग ममता जाग उठी थी। उसे आरव में अपने दोनों बच्चे दिखाई दे रहे थे जो पैदा होते ही मर गए थे। इसके बाद तो लीला हर पल आरव के साथ रहने लगी। लिपिका आरव को बिस्तर पर लिटाती तो लीला भी वहीं बिस्तर पर आरव के पास ही बैठी रहती। लिपिका आरव को नहलाती तो लीला भी आरव के पास खड़ी होकर उसे देखती रहती। एक तरह से लीला हर पल आरव की सुरक्षा करने लगी। इस तरह आरव लिपिका और लीला के लाड़ प्यार में पलने लगा। देखते ही देखते आरव 8 साल का हो गया। उसकी मस्ती अब एक अलग ही स्तर पर चली गई थी। वो लीला की पीठ पर सवार होकर घर के पास ही बह रही नदी के किनारे चला जाया करता था। नदी के उस किनारे पर एक खाली पड़ा टूटा फूटा घर था। वो टूटा फूटा खाली पड़ा घर आरव के खेलने की जगह बन चुकी थी, जहां पर लीला के साथ वो खेलता रहता था। लिपिका को घर के दरवाजे से वो घर दिखता था, इसलिए वो भी आरव और लीला को उस खाली पड़े घर में जाने से नहीं रोकती थी। हालांकि उस जगह के अलावा आरव के कहीं और जाने पर लिपिका ने सख्त पहरा लगाया था। लीला भी आरव को उस जगह के अलावा कहीं और नहीं जाने देती थी। अभी तक आरव के दोस्तों का एक पूरा ग्रुप बन चुका था। आरव अपने ग्रुप और लीला के साथ नदी किनारे उस घर में अपना किंगडम चलाने लगा। आरव उस घर का हेड था और लीला उसकी सिक्योरिटी हेड। ग्रुप के बाकी बच्चे सोल्जर और आम जनता थी। एक बच्चा आम आदमी बनकर अपनी फरियाद लेकर आता था तो आरव उस घर की ही एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठकर उस बच्चे के साथ न्याय करता। ऐसे ही समय बीतता गया और आरव का नटखट और शरारती स्वभाव बढ़ता चला गया। आरव दिन भर लीला और दोस्तों के साथ मस्ती करता और रात में लिपिका की गोद में आकर डह जाता और रात भर लिपिका से लिपट कर सोता। उसकी और लीला की दोस्ती पूरे काल्पी सिटी में फेमस हो चुकी थी। पूरे शहर में किसी की भी हिम्मत आरव को कुछ कहने की नहीं पड़ती थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें लिपिका, प्रथम या आरव से कोई खतरा था, बल्कि उन्हें खतरा इस बात से रहता था कि अगर उन्होंने आरव को कुछ कहा तो लीला वहां आ जाएगी। एक दिन आरव लीला के साथ नदी के किनारे पर खेलते हुए बहुत दूर तक निकल गया। लिपिका ने जब घर के दरवाजे से बाहर देखा तो उसे आरव बाहर नहीं दिखाई दिया। ये देखकर लिपिका बुरी तरह से घबरा गई और चीखते हुए नदी के किनारे की ओर दौड़ गई। नदी के किनारे आरव को ना पाकर लिपिका का बुरा हाल हो गया। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। लिपिका को चीखता सुनकर प्रथम भी वहां आ गया। प्रथम को वहां आता देखकर लिपिका रोते हुए बोली, देखो ना प्रथम, पता नहीं ये आरव कहां चला गया। इस पर प्रथम ने कहा, अरे परेशान क्यों हो रही हो, आरव लीला के साथ कहीं आसपास चला गया होगा। उसी समय आरव लीला की पीठ पर सवार होकर वहां पहुंच गया। आरव को अपने सामने पाकर लिपिका ने दौड़कर आरव को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, कहां चला गया था तू, तुझे पता है ना कि तेरी मम्मा को कितनी टेंशन हो जाती है। इस पर आरव ने कहा, मम्मा मैं तो बस यहीं पास में गया था, मेरे वहां जाते ही लीला मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर तुरंत यहां ले आई। ये सुनकर लिपिका ने लीला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लीला तुम आरव की कितनी फिक्र करती हो, अगर मैं सच कहूं तो हमारे घर में आरव की एक नहीं दो मां है, एक मैं और दूसरी तुम। ये सुनकर आरव ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मा कैसी बात कर रही हो, लीला मेरी मम्मा नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा कहकर आरव लीला के गले से लिपट गया
और उसे एक प्यारी सी पप्पी दे दी। लीला भी आरव से लिपट गई। ये देखकर लिपिका और प्रथम के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। लिपिका आरव को अपने से लिपटाए सो रही थी। लीला भी उसी कमरे में एक अलग बिस्तर पर सो रही थी। उसी समय घर के दरवाजे पर तेज आवाजें हुई। लिपिका और प्रथम तेजी से उठकर बैठ गए। लिपिका ने प्रथम से कहा, ये कैसी आवाजें हैं? इस पर प्रथम ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूं। ऐसा कहकर प्रथम जैसे ही बिस्तर से उठा, अचानक से दरवाजे को तोड़ने की तेज आवाज वहां आई और कई लोग दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर घुस गए। जैसे ही वो सभी लोग लिपिका के कमरे में दाखिल हुए तो प्रथम ने चौंकते हुए कहा, हत्यारे, लेकिन इन्हें आरव के यहां होने का पता कैसे चला? उन हत्यारों ने जैसे ही आरव को वहां देखा तो वो आरव पर झपट पड़े। ये देखकर लिपिका चिल्ला पड़ी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें आरव को नहीं दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी मैं आरव को। उसी समय प्रथम ने लिपिका को झकझोरते हुए कहा, लिपिका उठो, क्या हुआ तुम्हें, उठो। अचानक से लिपिका की आंख खुली तो उसने पाया कि वो एक सपना देख रही थी। उसने तुरंत अपने बगल में देखा तो आरव एकदम शांति से वहां सोया हुआ था। ये देखकर लिपिका उठकर बैठ गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। प्रथम ने लिपिका को पानी देते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या तुमने फिर से वही सपना देखा? अरे, विदिशा काउंसिल या कोई हत्यारा यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम इस बात से कब डरना छोड़ोगी? प्रथम भले ही लिपिका को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन वो भी इस बात से डरा रहता था कि कहीं किसी एक दिन काउंसिल के हत्यारे यहां उसकी घर की चौखट पर ना पहुंच जाए। लिपिका ने प्रथम से कहा, उस घर में वो सुरंग तो आज भी मौजूद होगी ना, कभी ना कभी तो काउंसिल को सुरंग के बारे में पता चल ही जाएगा। साथ ही आरव के गले में नेकलेस में जो ये अंगूठी बंधी है, तुम्हें तो मालूम ही है ना, वो कितनी शक्तिशाली अंगूठी है। प्रथम ने लिपिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बेकार की टेंशन ले रही हो, अगर उन्हें समझ आ भी गया कि आरव जिंदा है तब भी आरव कहां है वो ये कभी पता नहीं लगा पाएंगे। ये सुनकर लिपिका ने कुछ सोचकर कहा, आरव बड़ा हो गया है, क्या हमें उसे उसके इस गले के नेकलेस में बंधी अंगूठी के बारे में बता देना चाहिए? आरव भी हमेशा उस अंगूठी के बारे में मुझसे पूछता रहता है, तुम्हें तो मालूम ही है कि वो अंगूठी कितनी शक्तिशाली है, ना जाने कितने लोगों की उस अंगूठी पर बुरी नजर होगी, कहीं ये अंगूठी किसी दिन आरव के लिए कोई बड़ा खतरा ना पैदा कर दे। इस पर प्रथम ने कहा, वो अंगूठी आरव के पिता दक्ष की थी जिसमें उनकी सारी पावर्स मौजूद हैं। समय आने पर हम आरव को उसके गले में बंधी अंगूठी के बारे में सब बता देंगे। उसी समय काल्पी सिटी से कई हजार किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। वो शहर पिशाचों का शहर था। इसका नाम तंजावर सिटी था। पिशाच बौने आकार के देखने में बिल्कुल राक्षस जैसे होते थे। उनकी आंखें बाहर की ओर निकली रहती थी। उनके दो लंबे पैने दांत मुंह से बाहर आए हुए होते थे। उनकी नाक भी सामान्य इंसान की तुलना में दो गुना बड़ी होती थी। उनके पास जादुई शक्तियां होती थी और उन्हें दूसरे लोगों का खून चूसने में एक अलग ही मजा मिलता था। उस शहर के एक बड़े बंगले में एक पिशाच दौड़ता हुआ एक हॉल के अंदर दाखिल हुआ। उस हॉल में कई पिशाच थे, जिसमें से एक पिशाच एक बड़े से सोफा पर बैठा हुआ था। उस पिशाच ने उस सोफे पर बैठे हुए पिशाच के सामने सर झुकाते हुए कहा, डॉनरियन, हमें उस अंगूठी के बारे में कुछ पता चला है, दक्ष का बेटा जिंदा है। ये सुनकर डॉन रियान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और चौंकते हुए बोला, क्या सच में? हम कितने सालों से वो अंगूठी ढूंढ रहे हैं, लेकिन दक्ष का बेटा तो घर की आग में जलकर मारा गया था। इस पर वो पिशाच बोला, आज तक हमें भी यही लगता था, लेकिन हमारे कुछ जासूस छुपके से उस घर के अंदर गए थे। वहां गलती से एक जासूस एक जगह पर गिर पड़ा और हमें पता चला कि उस घर में शहर के बाहर तक जाने के लिए एक लंबी सुरंग बनाई गई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि दक्ष का भाई प्रथम उसके बच्चे को लेकर सुरक्षित बाहर चला गया था। उस पिशाच सोल्जर की बात सुनकर डॉन रियान के चेहरे पर खूंखार भाव उभर आए और उसने उस पिशाच सोल्जर से कहा, बहुत खूब,
इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा अभी जिंदा है। उस दक्ष की वो अंगूठी भी उसी के पास होगी। एक बाप मरने के बाद अपनी सबसे बड़ी पावर अपने बेटे को ही देता है। वो अंगूठी उसी दक्ष के बेटे के पास होनी चाहिए। हमें किसी भी हाल में उस बच्चे को ढूंढकर उसे मारना होगा और उससे वो अंगूठी छीननी होगी। इस तरह हम उस दक्ष से हमारी हार का बदला लेंगे और उस अंगूठी की शक्ति के बल पर अपने शहरों को फिर से जीतेंगे। ऐसा कहकर कि खतरे से बेखबर आरव अपने रूम में आराम से लेटा हुआ अपने गले के नेकलेस से बंधी अंगूठी से खेलता हुआ अगले दिन क्या करना है इसकी प्लानिंग कर रहा था। उसी समय उसके दिमाग में उसके चैतन्य की आवाज गूंज गई। हेलो आरव, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूं। आज से मेरी पावर्स तुम्हें धीरे धीरे मिलना शुरू हो रही हैं। चैतन्य की आवाज उसके दिमाग में गूंजते ही आरव को अपनी पुरानी लाइफ और चैतन्य से मुलाकात एकदम साफ साफ याद आ गई। आज से पहले तक उसे हल्का हल्का एहसास होता था कि जैसे उसकी एक पुरानी लाइफ थी और उस लाइफ में वो जल्द ही मारा गया था और मरने के बाद चैतन्य से मिला था, लेकिन आज उसे सब कुछ याद आ चुका था। आरव ने हल्की आवाज में कहा, गॉडफादर कैसे हैं आप? उस भूकंप की वजह से मैं लाल दरवाजे में घुस गया था, लेकिन सच कहूं तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं उस गोल्डन रंग के दरवाजे में नहीं घुसा। वहां भले ही मुझे धन दौलत मिल जाती, लेकिन ऐसे में मैं तो माँ लिपिका, पापा प्रथम और लीला के प्यार से दूर रह जाता। वैसे गॉडफादर, मुझे क्या पावर मिलने वाली है? चैतन्य की आवाज आई, जब भी तुम किसी जादू को सीखोगे तो उस जादू को सीखने की तुम्हारी स्पीड नॉर्मल लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक नॉर्मल इंसान को किसी जादू को सीखने में एक साल का समय लगता है तो तुम उस जादू को एक महीने में ही सीख लोगे। जितनी तुम मेहनत करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या मुझे अभी कोई पावर नहीं मिल रही है? आरव ने पूछा। इस पर चैतन्य ने कहा, कुछ पावर्स तुम्हें अभी मिल रही हैं, जैसे तुम ऊंची छलांग लगा सकोगे, बहुत तेज दौड़ सकोगे। ऐसा कहने के बाद वो आवाज शांत हो गई। चैतन्य की बातें सुनकर आरव के दिमाग में पावर्स के बारे में घूमने लगा। उसी समय लिपिका रूम के अंदर आई और उसने आरव से पूछा, ये इतनी देर तक किससे बातें किए जा रहा है? लिपिका की बात सुनकर आरव ने जवाब दिया, मम्मा पता है मैं बड़ा हो गया हूँ और पावरफुल भी। ऐसा कहकर आरव ने अपनी बाजुएं लिपिका को दिखाई। लिपिका को आरव की ये बात समझ नहीं आई और उसने आरव के गाल पर प्यारी सी पप्पी देते हुए कहा, मेरा बेटा तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगली सुबह आरव जल्दी से तैयार होकर नदी किनारे अपने राज्य यानी उजड़े घर में पहुंच गया। कुछ ही देर में वहां पर एक दूसरा ग्रुप आ गया। उस दूसरे ग्रुप के बच्चे ने आरव से कहा, क्या रे, कब तक इस टूटे घर में खेल खेल कर अपने आप को हेड कहता रहेगा? हा? असली हेड है तो चल हमारी टोली के साथ मुकाबला कर। उस बच्चे की बात सुनकर आरव के ग्रुप के जतिन ने कहा, आरव इनकी मुंह मत लग, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आरव तो आज एक अलग ही स्वैग में था। उसने उस बच्चे से कहा, ऐसी बात है तो ठीक है, हम पास के ही आम के बाग में जाएंगे, जो ग्रुप 10 मिनट में ज्यादा आम तोड़ेगा वही जीतेगा। आरव के ग्रुप के सभी बच्चे 7-8 साल के थे, वहीं दूसरे ग्रुप में 12-13 साल के बच्चे। उन बच्चों ने जब आरव का प्रस्ताव सुना तो उन्हें हंसी आ गई। दूसरे ग्रुप के बच्चे ने कहा, अगर हम जीत गए तो नदी का ये इलाका हमारा होगा, तुम लोग यहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दोगे। इस पर आरव ने कहा, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर इस इलाके में कभी दिखाई मत देना। आरव की बात पर दूसरी टोली के सभी बच्चों को हंसी आ गई। उनके हिसाब से मुकाबला शुरू होने से पहले ही वो जीत चुके थे। आरव की टोली के बच्चों की भी हालत खराब थी। उन सभी को लग रहा था कि आज पता नहीं आरव ने ऐसा मुकाबला क्यों रख लिया था। उन सभी को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में सभी बच्चे आम के बाग में जा पहुंचे। आरव के ग्रुप के विवान ने जतिन से कहा, यार लगता है आरव की वजह से हमारा नदी का किनारा हमसे छूटने वाला है। इस पर जतिन ने कहा, यार डर तो मुझे भी लग रहा है, पता नहीं आज आरव को क्या हो गया है,
लेकिन आरव हमारा हेड है, हमें अपने हेड का साथ देना ही होगा। असली योद्धा हमेशा हेड का साथ देते हैं। कुछ ही देर में दोनों ग्रुप के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दूसरे ग्रुप के बच्चे तेजी के साथ आम के पेड़ों पर चढ़ गए और आमों को तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी ओर आरव के ग्रुप के बच्चे तो आम के पेड़ पर चढ़ तक भी नहीं पा रहे थे। ये देखकर दूसरे ग्रुप के एक बच्चे ने आरव के ग्रुप का मजाक बनाते हुए कहा, क्या हुआ, सीढ़ी मंगवा दे। ये सुनकर विवान ने जतिन से कहा, ये आरव हमें यहाँ फंसाकर खुद कहाँ चला गया। उसी समय उन्होंने देखा कि आरव दूर से बहुत तेज स्पीड से भागता हुआ आ रहा था। अगले ही पल आम के पेड़ के नजदीक पहुंचकर उसने एक जोरदार छलांग लगा दी और हवा में उड़ते हुए सीधे आम के पेड़ पर चढ़ गया। ये देखकर आरव के ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरे ग्रुप के एक बच्चे ने कहा, ये कैसे मुमकिन है। अगले ही पल आरव उस पेड़ से कई आमों को तोड़कर दूसरे पेड़ पर जा चुका था। आरव के ग्रुप के बच्चों ने जब ये देखा तो वो उस पेड़ के नीचे गिरे आमों को इकट्ठा करने दौड़ पड़े। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरव ये कैसे कर पा रहा था। अभी कल तक तो आरव को थोड़ी ऊंचाई भी पार करने में बड़ी मेहनत लगती थी। कुछ ही देर में आरव ने कई पेड़ों से आम तोड़ तोड़ कर नीचे डाल दिए। 10 मिनट पूरे होने पर जब गिनती हुई तो आरव के ग्रुप के पास दूसरे ग्रुप की तुलना में 2 गुने आम थे। ये देखकर दूसरे ग्रुप के बच्चों का तो मुंह तक भी नहीं खुल पा रहा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव कुछ ऐसा चमत्कार कर देगा। आरव के ग्रुप का तो खुशी से झूम झूम कर बुरा हाल हो रहा था। पिछले कई दिनों से दूसरी टोली उन्हें नदी के किनारे खेलने से बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन आज आरव ने उन सभी का काम तमाम कर दिया था। सभी बच्चों ने मिलकर आरव को अपने कंधे पर उठा लिया और नाचते गाते हुए उसे नदी किनारे के अपने टूटे घर में ले गए। वहां पर आरव को नए सिरे से उस घर की किंगडम का प्राइम मिनिस्टर चुना गया। उसकी ताजपोशी हुई। आरव भी सीना फुलाकर धूल से भरी टूटी कुर्सी पर बैठा रहा। उसके पास खड़ी लीला मैं करते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। दूसरे ग्रुप के बच्चों को हराकर और आरव की पावर को देखकर ग्रुप के सभी बच्चों ने अपनी सीमाएं बढ़ाने का डिसीजन लिया। इसके लिए टोली के सभी बच्चों की एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। मीटिंग में विवान ने कहा, देखो दूसरे ग्रुप को हराने की वजह से अब नदी के इस पूरे किनारे पर हमारा कंट्रोल हो गया है। अब आसपास के सभी घर पर हमारी किंगडम आ चुकी है। अब हमें इन घरों से फूड टैक्स कलेक्ट करना होगा। यह सुनकर जतिन ने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर आरव का इस पर क्या कहना है। आरव ने कहा, मामला सीरियस है। हमें दिन भर खेलने के बाद भूख बहुत लगती है और अच्छी अच्छी डिशेस खाने की जरूरत पड़ती है। किंगडम के सलाहकार का इस पर क्या कहना है। इस पर पिनाक, जो उनके किंगडम का सलाहकार भी था, उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर, किंगडम के खाने के भंडार खाली पड़े हैं। हमें आसपास के घरों से टैक्स वसूल कर तुरंत किंगडम के भंडारों को खाने की टेस्टी टेस्टी डिशेस से भरने की जरूरत है। ये सुनकर जतिन ने कहा, लेकिन हमें मालूम कैसे चलेगा कि किस घर में टेस्टी डिशेस बन रही हैं? ये सुनकर आरव ने कहा, रुको। ऐसा कहकर आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी गहरी सांस लेने लगा। उसकी नुकीली नाक हिलने लगी, मानो कुछ सूंघ रही हो। सभी बच्चे आंखें फाड़े आरव को देखे जा रहे थे। कुछ देर लंबी लंबी सांसें खींचने के बाद आरव ने आंखें खोल ली। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी जगमगा उठी। उसने सभी बच्चों की ओर देखकर कहा, पास के एक घर में टेस्टी टेस्टी डिशेस बनी हैं। ये सुनकर जतिन ने कहा, तुम्हारी नाक इतनी दूर तक का कैसे सूंघ पा रही है। इस पर आरव ने कहा, बस भगवान की दया। ऐसा कहकर आरव सभी बच्चों को लेकर उस घर के सामने पहुंच गया। इसके बाद आरव तेजी से दौड़ा और फिर एक छलांग लगाकर उस घर की छत पर पहुंच गया। ये देखकर जतिन, विवान, पिनाक ने सरप्राइज होते हुए खुद से कहा, आखिर ये आरव कैसे कर रहा है। आरव जाकर चुपके से खाना ले आया और सभी बच्चों को ऊपर से नीचे चीजें फेंकी और छत से कूदकर ग्रुप के साथ फरार हो गया।
इसके बाद घर से मिले टैक्स को अपने किंगडम में बैठकर सभी के साथ मिलकर चटकारे ले लेकर खाया। उस दिन आरव और ग्रुप को जो मजा आया था वो मजा अब वो रोज लेने लगे। आरव हर रोज किसी न किसी घर की छत पर पहुंचकर उस घर से खाने की चीजें चुरा लेता। लिपिका के पास लगभग हर रोज आरव की शिकायतें आने लगी। धीरे धीरे लिपिका के पास बहुत ज्यादा शिकायतें आने लगी। लिपिका ने आरव को कई बार मना किया लेकिन आरव था कि मानता ही नहीं। आज लिपिका को 4 घरों से शिकायत मिली थी, इसी वजह से उसका माथा बहुत गर्म था। उसने खुद से कहा, आने दो आज आरव को घर, आज इससे बात करनी ही पड़ेगी। दूसरी ओर आरव शाम को जैसे ही घर वापस लौटा तो उसने देखा कि लिपिका गुस्से से भरी बैठी थी। ये देखकर आरव समझ गया कि आज उसे डांट लगने वाली थी। आरव को देखते ही लिपिका ने बनावटी गुस्से से कहा, आ गए लाड साहब, करा दी ना अपनी मम्मा की बेइज्जती। शहर के लोग तो सोचते होंगे ना कि लिपिका कैसी मम्मा है, वो अपने बेटे आरव को कुछ खाने को देती ही नहीं है, इसलिए आरव गली गली घूमते हुए दूसरे के घरों में खाना चोरी करके खाता है। क्या तुझे मैं खाना नहीं देती? बता कौन से पकवान तुझे चाहिए, मैं अभी तुझे बनाकर देती हूँ। तू आखिर क्यों दूसरों के घरों में घुसकर चोरी करके खाता है? लिपिका की बात सुनकर आरव ने मासूम सा चेहरा बना लिया। ऐसा होते ही उसके दोनों लंबे कान नीचे की ओर झुक गए। उसने थोड़ा सकपकाते हुए कहा, मम्मा वो क्या है ना कि जैसे ही मैं कोई टेस्टी डिश सूंघता हूँ ना तो कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे उस डिश की ओर खींचे। लिपिका ने आरव को बीच में काटते हुए कहा, आज तेरी मम्मा तेरे मासूम चेहरे पर पिघलने वाली नहीं है, ऐसे तेरे पेट में कौन सा कुआं खुदा है जो कितना भी खा ले भरता ही नहीं है। लिपिका के तेवर देखकर आरव मन ही मन सोचने लगा, मम्मा तो आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, अब मैं क्या करूं। दूसरी ओर पिशाचों के तंजावर सिटी में कई पिशाच डॉन रियान के सामने खड़े थे। डॉन रियान ने उन सभी पिशाचों की ओर देखकर पूछा, क्या उस दक्ष के बच्चे के बारे में कुछ पता चला? डॉन रियान, हमें पता चला है कि प्रथम उस बच्चे को लेकर इंसानों के किंगडम अमरगिरी चला गया था। हम अमरगिरी के लगभग हर एक शहर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम उस बच्चे के बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर पता लगा लेंगे, बस इस काम में कुछ समय लग सकता है। ये सुनकर डॉन रियान ने गुस्से से कहा, मुझे अगले 10 दिन में उस बच्चे का पता चाहिए। सभी पिशाच डॉन रियान के सामने सिर झुकाकर वहां से चले गए। डॉन रियान के बगल में उसका सिक्योरिटी हेड बैठा था। उसने डॉन रियान से पूछा, डॉन रियान, वैसे उस अंगूठी में आखिर ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से उस अंगूठी को ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर डॉन रियान किसी गहरी सोच में डूब गया और उसने जवाब दिया, बात बरसों पुरानी है। उस समय हम पिशाचों का राज्य 100 शहरों में फैला था, लेकिन फिर हमारी नजर इंसानों की किंगडम अमरगिरी पर पड़ी और हमने अमरगिरी के बाहरी हिस्सों पर हमला कर दिया। लेकिन वो दक्ष, पता नहीं वो इतना शक्तिशाली कैसे था, उसके सामने हमारे सारे हथियार फेल हो गए। हमें आत्मसमर्पण करना पड़ा। उस समय उसने हमारे सारे हथियारों को किसी गुप्त जगह छिपा दिया और उस गुप्त जगह का मैप उस अंगूठी के अंदर रख दिया। उस अंगूठी के अंदर दक्ष की सारी पावर भी छिपी है। एक बार हमें वो अंगूठी मिल गई तो अपने हथियार हासिल करके और दक्ष की पावर के दम पर हम अपने खोए हुए सारे शहर वापस जीत सकेंगे। बस एक बार हमें वो दक्ष का बेटा मिल जाए, फिर उसे मारकर हम उससे वो अंगूठी छीन लेंगे। क्या पिशाच आरव का ठिकाना ढूंढने में कामयाब होने वाले थे? अगर ऐसा हो जाता तो क्या आरव की जिंदगी पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? और क्या आरव लिपिका के सवालों से खुद को बचा पाएगा? क्या लिपिका सच में आरव की मासूमियत पर ना पिघल कर उसे कड़ी सजा देने वाली थी? जानने के लिए दोस्तों, गुस्से को देखकर आरव ने खिसकने की सोची और अपना एक पैर जमीन पर दे मारा और अगले ही पल वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। लिपिका, जिसे आरव की लगातार मिलती शिकायतों की वजह से उस पर गुस्सा आ रहा था, वो अचानक से ये देखकर स्तब्ध रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, इसकी शक्तियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज सिर्फ एक छलांग में एक फ्लोर ऊपर पहुंच गया, आखिर ये कैसे मुमकिन है?
मुझे इसके दादा को बुलवाना होगा। एक वही है जो आरव के अंदर आ रही इन पावर्स को समझ सकते हैं, साथ ही आरव को इन शक्तियों का उपयोग कैसे करना है वो सिखा सकते हैं। इसके बाद अपनी सोच पर काबू करते हुए लिपिका ने आरव से कहा, ऊपर कहां चढ़ गया, चल नीचे आ। लिपिका की बात सुनकर आरव पहली मंजिल से नीचे कूद गया। ये देखकर लिपिका घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि आरव हवा में झूलते हुए आराम से नीचे उतर रहा था। आरव ने मासूमियत से भरा चेहरा बनाते हुए कहा, मम्मा मेरी क्या गलती है, मैं तो दोस्तों संग खेलता हूँ, ये सब लोग जो मेरी कंप्लेन कर रहे हैं ना, सब जलते हैं तुझसे। ये सुनकर लिपिका को मन में हल्की हंसी आ गई और उसने आरव को गोद में उठाते हुए उससे क्रोध दिखाते हुए पूछा, अच्छा जलते हैं, मगर क्यों जलते हैं मुझसे? ये सुनकर आरव को लगा कि उसकी मम्मा उसकी मासूमियत के जाल में फंस रही है। उसने अपना सीना फुलाते हुए कहा, मम्मा क्योंकि तेरे पास मेरे जैसा बेटा है ना, पूरे काल्पी सिटी में ऐसा बेटा किसी के पास नहीं है जो इतनी तेज दौड़ता है, ऊंची ऊंची छलांगे लगा देता है, जिसमें खूब पावर्स हो। मम्मा पता है मेरे ग्रुप के दोस्त कहते हैं कि आरव तेरी पावर का जवाब नहीं, बस इसी वजह से सभी लोग तुझसे चिढ़ते हैं, इसीलिए तेरे पास आकर मेरी झूठी झूठी कंप्लेन करते हैं और अपने कलेजे को ठंडा करते हैं। अच्छा तो तू उनके घरों में घुसकर चोरी नहीं करता, बता क्या तू उनके घरों से चुराकर मिठाई और खाना नहीं खाता? लिपिका ने आरव की बात को काटते हुए कहा। आरव ने मासूमियत के साथ कहा, मम्मा मैं कोई चोरी नहीं करता, वो सभी लोग पहले तो मीठी मीठी बातें करके हमें अपने घर बुलाते हैं और फिर हमें प्यार से बिठाकर खाना खिलाते हैं और फिर तेरे पास आकर शिकायत करते हैं कि हमने उनके घर में चोरी करके खाना खाया है। आरव की बात सुनकर लिपिका के मन में हंसी छूट पड़ी, लेकिन फिर अपने आप को शांत करते हुए उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो तू उन लोगों के बुलाने पर जाता ही क्यों है, मत जाया कर। ये सुनकर आरव तेजी से लिपिका की गोद में चढ़ गया और अपने लंबे कान हिलाते हुए पूरी मासूमियत के साथ बोला, मम्मा अब मैं आपका बेटा हूँ, भला कोई प्यार से बुलाए तो कैसे मना कर सकता हूँ। ये सुनकर लिपिका ने खींचते हुए कहा, तू प्यार से नहीं खाने की खुशबू से खींचा चला जाता है, दूर से ही किस घर में क्या खाना बना है और कहाँ छिपाए रखा है तुझे पता चल जाता है, क्योंकि कोई अजीब पावर तेरे अंदर आ गई है। तेरे ग्रुप के बच्चों के भी मजे हैं, उन्हें भी तो तेरे बहाने खाने पीने को खूब मिल जाता है, लेकिन सारी बुराई तेरे हिस्से लगती है। आरव ने अपनी मम्मा के गाल पर एक प्यारी सी मीठी पप्पी देते हुए कहा, मम्मा मैं कुछ नहीं करता, मैं तो अपने ग्रुप के दोस्तों को खूब मना करता हूँ, लेकिन वही मेरी बात नहीं सुनते, मैं तो बस मित्रता धर्म के लिए उनके साथ चला जाता हूँ। ये सुनकर लिपिका ने कहा, हाँ तू तो बड़ा मासूम है, सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप को तू दे, घर के अंदर चोरी छिपे कैसे घुसना है वो तू बताए और लेकर वो तुझे जाते हैं। वाह रे कैसा जमाना आ गया है, एक छोटा सा बच्चा क्या क्या तर्क गढ़ रहा है। आरव ने देखा कि आज तो उसकी मम्मा उसके सारे बाणों को निरस्त करती जा रही थी, तो वो समझ गया कि ब्रह्मास्त्र चलाने का वक्त आ चुका है। उसने तुरंत रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहने लगा, ठीक है मम्मा अगर ऐसी बात है तो आज से मैं घर के एक कोने में ही सिमटा पड़ा रहूंगा, किसी दोस्त से मिलने नहीं जाऊंगा, कोई दोस्त मुझे पूछने आए तो कह देना कि आरव घर के कोने में सिमटा पड़ा है, वो नहीं आएगा, तू जो देगी बस वही खाऊंगा। और आरव का ब्रह्मास्त्र काम कर गया। लिपिका जो किसी तरह अपने इमोशंस को रोककर गुस्से का अभिनय कर रही थी, वो आरव की इस मासूम अदा से छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। उसने आरव के गाल पर एक पप्पी देते हुए कहा, बातें तो बड़ी बड़ी करना सीख गया है, चल हाथ पैर धो ले, सोचा तो था कि तुझे आज भूखा रखूंगी, लेकिन तुझे तो अपनी मम्मा का गुस्सा शांत करना अच्छे से आता है, लेकिन मम्मा से प्रॉमिस कर कि तू किसी के भी घर में बिना उसकी परमिशन के नहीं जाएगा। ये सुनकर आरव तेजी से अपनी माँ की गोद से उतर गया और एक पैर जमीन पर दे मारा। अगले ही पल वो घर की दूसरी मंजिल पर था। ये देख कर लिपिका फिर से शॉक्ड रह गई। दूसरी मंजिल से ही आरव ने चीख कर कहा, मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझे खुद ही अपने घर पार्टी का इनविटेशन दे तो वो मुझसे मना नहीं हो पाएगा। आरव की बात सुनकर लिपिका सोचने लगी, हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़के का।
ऐसा सोचते ही लिपिका सीधे प्रथम के पास गई और उससे कहा, आरव की पावर तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इस पर प्रथम ने कहा, हाँ मैं भी ये फील कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले किसी ग्रुप के साथ आरव की ग्रुप की लड़ाई हो गई थी। आरव ने अकेले ही उस ग्रुप के सभी बच्चों को पीट दिया। एक घर का दरवाजा खोलने के लिए उसने उस घर के ताले को अपने एक मुक्के से मारकर खोल दिया। कुछ दिन पहले शहर के मजदूरों की मदद करने के लिए 100 किलो की एक गठरी उठाकर 2 किलोमीटर दूर पहुंचा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आरव के पास ऐसी पावर्स कहां से आ रही हैं। प्रथम की बात सुनकर लिपिका ने कहा, साथ ही इसकी शरारतें भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मुझे लगता है कि इसकी शरारतों पर भी थोड़ा कंट्रोल लगाने की जरूरत है। कैसी बात कर रही हो लिपिका, आरव अभी सिर्फ 8 साल का है, इस उम्र में